गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है आपके? रविराज जी, देशराज कपूर जी, हरिराम जी, क्या हाल है आपके? कैसे हाल चाल है? बस बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी, रविराज जी कैसा चल रहा है? शनिवार की सुबह जो है बहुत ही शानदार धूप निकली हुई है, बहुत ही बढ़िया दिन है। आपको यहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। क्या चल रहा है बताइए, आपके जीवन के अंदर क्या नया ताजा चल रहा है, क्या काम चल रहा है सर? धूप? हाँ जी, धूप तो नहीं निकला है सर। अच्छा, धूप नहीं निकला है अभी हमारे यहाँ? धूप धूप तो हमारे नहीं निकला सर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया धूप निकला हुआ है, बहुत ही शानदार धूप निकला हुआ है, बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, काफी बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, माहौल बहुत ही शानदार है। खैर, आप बताइए। दीपक जी नमस्कार। जी बताइए, क्या नया, क्या ताजा चल रहा है? आपके जीवन के अंदर क्या क्या खास चल रहा है, क्या क्या बढ़िया चल रहा है? कल सुबह आपने राजेश टैगोर जी का प्रोग्राम अटेंड किया था, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ आपको वहां सीखने को मिला, समझने को मिला, जानने को मिला, क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ खराब लगा? ये लगा कि अगर हर सप्ताह चार्जिंग होते हैं तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, कैसे चार्जिंग होता है, किस तरीके से चार्जिंग, समझ नहीं आया मुझे, कैसा, किस टाइप का चार्जिंग होता है हर सप्ताह? मतलब कि मोटिवेट करेंगे ना सर? मोटिवेट करेंगे, एक्चुअली 50 हफ्ते का है। मैं आपको पहले बता दूं कि वो मोटिवेट नहीं करेंगे, ये तो थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लें, वो मोटिवेट नहीं करने वाले हैं, वो आपको नॉलेज देने वाले हैं कि पॉलिसी बेचने के लिए क्या क्या नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको सीखने की जरूरत है, क्या क्या समझने की जरूरत है, क्या क्या जानने की जरूरत है, क्या क्या आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत है। हर सप्ताह एक्टिव रखेंगे, अपने आप से जोड़ के रखेंगे, ध्यान हमारा इधर उधर भटकेगा, जो भटकेगा नहीं, काम पे फोकस लगा रहेगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। और क्या अच्छा लगा आपको? हरिराम जी हाथ हिला रहे हैं, हरिराम जी नमस्कार, हाथ हिला रहे हैं, बढ़िया। लेकिन हरिराम जी आपका जो माइक है वो म्यूट है, मुझे लगता है हरिराम जी आप माइक ऑन करेंगे तो आप बात कर पाएंगे। जी जी जी, ठीक कह रहे हैं आप रविराज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लगातार हर हफ्ते कुछ ना कुछ चार्जिंग रहेगा तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपको क्या अच्छा लगा कल का जो प्रोग्राम था उसके अंदर, आपको क्या पसंद आया? आप देशराज जी कुछ बताना चाहेंगे? देशराज जी का पंखा नजर आ रहा है लेकिन देशराज जी कहाँ है वो पता नहीं चल रहा है, पंखा और छत तो मीटिंग के अंदर हैं लेकिन देशराज जी का मालूम नहीं वो कहाँ चले गए, तो खैर कोई बात नहीं। सिन्हा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू? ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सिन्हा साहब, कल आपका एग्जाम आपने पास कर डाला, बहुत ही अच्छा लगा कि कल आप ट्रेनिंग सेंटर में जाके आपने जो है एग्जाम, मतलब मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने पास कर डाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे कल रात को बताया तो मुझे लगा कि शायद आपका पास हो गया होगा। बाकी तो जो रिजल्ट है, मैंने कल जो ब्रांच मैनेजर है उनको बोला था कल रात को कि भाई वो रिजल्ट निकाल लेंगे, तो रिजल्ट निकालेंगे तो उसके अंदर पता लगेगा कि हाँ वो आपका रिजल्ट क्या रहा। हमारे को ऐसी उम्मीद है क्या सब कर लिया हमने? उम्मीद है, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं था, तो जो फास्ट बढ़िया, बहुत बढ़िया फैक्ट है वो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस बेचने के लिए कुछ एक चीजों को जानने की जरूरत रहती है, कुछ एक चीजों को समझने की जरूरत रहती है, और इंश्योरेंस बेचने के लिए क्या होता है कि हमारा जो शुरू वाला जो एग्जाम होता है ना, इसके अंदर जो बातें होती हैं वो जिंदगी भर हमें काम आती हैं, तो इसी वजह से शुरू का ये जो एग्जाम है इसको अच्छे तरीके से करना इसीलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ना देखो दोबारा तो एग्जाम का ऐसा कभी मौका लगता नहीं है। अब जिस समय हम एजेंसी शुरू करते हैं उस समय का जो एग्जाम होता है, उस समय जो हमने पढ़ा होता है, सीखा होता है, वो जिंदगी भर हमें काम आता है। कल के प्रोग्राम के बारे में आपको और क्या क्या अच्छा लगा? प्रोग्राम के बारे में ऐसा अच्छा कि नटशेल में तो सारा कुछ अपना बता ही दिया था,
और जो अच्छा लगा जो चीज हमारे था, हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं जैसे ट्रेनिंग का या कि हम लोग का कोई चीज जो है तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे को सब कुछ आता है, पर एक चीज उन्होंने बोला कि हर रोज आदमी सीखता है, आपको सीखना है, आप कभी भी जा रहे हो जाकर के हर कस्टमर के पास ही जाते हैं, हर कस्टमर ही डिफरेंट होता है, एवरीबॉडी लर्न एवरी डे। और जितने जो है तुलसीदास जी कह गए हैं तुलसी संसार में भांति भांति के लोग वाले वाले वही भांति भांति के लोग आपको हर हर आदमी से नए चीज आपको इतने सारे लाभ कि करते 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 लगातार आप साल भर दो साल इधर रहिए तो मतलब आपको काफी कुछ समय और बन जाएगा। तो यही इसी इसी चीजों को लेकर के मैं थोड़ा सा जरा में हो गया हूँ कि आज लगा अब हमारे पास ऐसा है कि मतलब कुछ का पार्ट टाइम थोड़ा सा हमें ऐसा भी निकाल दे धीरे 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 करते 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 करके एंड देन आई विल कम्प्लीटली डिवोट द माय टाइम, वो सारा कुछ हो जाएगा। तो हमने सोच भी लिया है क्या जाना करके कि अब जैसे शुरू होता है जब भी शुरू हो जाता है तो आई विल शुरू करना ही है मेरे ख्याल से, मंडे तक आ जाएगा रिजल्ट सर। उम्मीद करते हैं, देखते हैं कल, कल तो संडे है, उसके बाद मंडे को देखते हैं रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन आप रिजल्ट की इंतजार करने के बजाय ज्यादा ध्यान आप इस चीज पर लगाएं कि हमें अलग अलग तरीके के एलआईसी के प्लान को सीखने की जरूरत है। आप एलआईसी ऑल इन वन अपने फोन में इंस्टॉल करें, आप जो प्रैक्टिस आप करें, एक्चुअली मॉर्निंग की जो मीटिंग है हम चलो टॉपिक चाहे जो मर्जी रखें लेकिन असली में हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे क्रिकेटर होता है ना, क्रिकेटर वो सुबह सुबह क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस का मतलब होता है वो क्रिकेट में वहां पर जाते हैं, विकेट पर जाते हैं और बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेटर लोग ऐसा करते हैं, फुटबॉलर होते हैं रोज सुबह प्रैक्टिस करते हैं। एलआईसी एजेंट के लिए जो बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए, सुबह सुबह प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फोन कॉल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए और सेल्स क्लोजिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस, ये सब हम लोगों को करना चाहिए। एक्चुअली हमको ये सब करना चाहिए, बाकी ठीक है अभी हम फिलहाल ये सब टॉपिक हमारे अलग अलग तरीके की हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअल जो है हमें अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये सुबह सुबह थोड़ी देर मिलने का जो हमने सिस्टम जो रखा है कि चलो सुबह सुबह थोड़ी देर मिलें, उसका मकसद यही है कि हम सुबह की बढ़िया शुरुआत करें। हमारा सारे दिन जो है हर रोज सेल होना चाहिए, हर रोज हम एक्टिविटी इस तरीके का करें कि
आवाज यदि आ रही है तो आप हाथ हिला के एक बार बताएं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है बढ़िया। तो मेरी आवाज इसलिए काफी देर तक अचानक एकदम से गायब हो गई थी, मुझे नहीं पता है कि आवाज बीच में अचानक क्यों गायब हो गई। सो अभी में हम लोग बात कर रहे थे। अखिलेश जी नमस्कार। हेलो दिनेश जी। सर ऑल वेल। अच्छा अच्छा आप आज मीटिंग में आए, आपका स्वागत है। आप प्रोफेशन पर मौजूद ही आप मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। मुझे विश्वास है कि आपका जो थोड़ा कल सुबह का हम मीटिंग किया था राजेश कुल का, कल सुबह मीटिंग कल आप प्रोग्राम के बारे में क्या क्या अच्छा लगा सर? उनका जो मेरे को एक अच्छा लगा कि उनका प्रेजेंटेशन का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था दैट्स वेरी डिफरेंट। नॉर्मली प्रेजेंटेशन वो हम गलत तरीके से भी कर रहे थे, उन्होंने उसको तरीके से किया। बेनिफिट बताए उसके अंदर भूख पैदा करने के हम मतलब कराने करानी आपने ठीक है बेनिफिट या कस्टमर की भूख पता लग जाएगी। फीस पेमेंट किया था अपना खुद का जो मैंने फीस है 5,900 रुपए का, अगले 50 हफ्ते का फीस मैंने रात को पेमेंट कर दिया था, मैंने आपको रसीद भी भेजा था। तो 5,900 जो है 50 हफ्ते का मतलब है हर हफ्ते एक एक घंटे का प्रोग्राम इनका रहेगा, और जितनी भी चीजें उन्होंने बताई थी वो प्लस इसके अलावा और भी ढेर सारी नई चीजें हम सभी को सीखने का मौका मिलेगा। जीवन के अंदर जो इंसान लगातार सीखता रहता है क्या होता है कि आमतौर पे स्कूल और कॉलेज के बाद लोग सीखना बंद कर देते हैं, और उसके बाद उनका जो है ना वो जब कुछ नया सीखते नहीं है तो पुराना भी लगातार उनका भूलता चला जाता है, वैल्यू लगातार। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं उनका जीवन के अंदर प्रोग्रेस होता चला जाता है। इसी वजह से कल का जो मीटिंग था, जैसे कि आपने देखा अंग्रेजी वाला मीटिंग था सुबह 7 से 8 का, 300 से ज्यादा लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो हिंदी वाला भी जो 8:30 से 9:30 का मीटिंग था उसके अंदर भी जो है आपके लगभग वहां पर 800 से ज्यादा लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये तो तब था कि जब राजेश टैगोर जी ने उसका कोई मार्केटिंग कोई पब्लिसिटी नहीं किया, ये तो एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, मैं ऑलरेडी उनके पिछले 4 महीने से किसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हूँ, तो उसी के जो पार्टिसिपेंट है सबने कहा चलो ठीक है हमारी टीम के जो एजेंट्स हैं उनके लिए आप ऐसा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए। और राजेश जी ने नहीं बोला था कि मैं ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, हम ही ने बोला कि देखो 50 हफ्ते का ऐसा कुछ प्रोग्राम हमारे कहने पर आपने डिजाइन किया है, तो इसके बारे में बताना कि आप अच्छे तरीके से बताओ ना भाई, आप ही सिखाने वाले हो तो आप ही बताओ, हम तो बता ही देंगे। तो मैंने तो इसका फीस पेमेंट कर दिया है, इनके लिए 50% डिस्काउंट है। जैसे कि ये 11,000 का ये प्रोग्राम है तो हमारी टीम के लिए 50% डिस्काउंट है, मैंने 5,900 रुपए का पेमेंट कर दिया है, और अगले 50 हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से एक क्लास का 118 रुपए के आसपास का कॉस्ट इसका पड़ता है। सो आप भी इसको ज्वाइन करें। प्रोग्राम इज वेरी फ्रूटफुल नो डाउट, अच्छा प्रोग्राम था। ये तो बताना चाहते कि इट हैज टू बी इन अ प्रोफेशनल मैनर, मतलब जब हमारा मतलब हम जब भी कस्टमर के पास जाते हैं तो भी प्रोफेशनल टाइम में हमें जाना चाहिए। ठीक है बढ़िया बढ़िया। हमें अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं जाना चाहिए, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जी, तो जी टाई और कोट पहन के जाएंगे तो ऑटोमेटिक भाव पड़ेगा कि हम यहाँ किसी पर्पस से आए हैं। ठीक ना चाहते हुए भी वो कस्टमर सोचेगा कि इनको कुछ बिजनेस देना चाहिए जी, कोट का मेरे को तो ये थोड़ा सा एडवांटेज लगा सर। बढ़िया। तो दिनेश जी आपने ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है क्या सर? इसमें थोड़ा मेरे को
इशू आ रहा है, अभी भी आप देख रहे हैं, एरर कर रहा हूं मेरी नेटवर्क। जी हां जी, आपको मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि ट्रैवल के बावजूद भी आप इस प्रोग्राम के अंदर आज सुबह का अपना मीटिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला कि ट्रैवल करने के बावजूद, मेट्रो में होने के बावजूद भी आपने पार्टिसिपेट निकाला। जी सर, उनका जो टाइम वो मॉर्निंग 8:30 to 9:30 है। हाँ, मॉर्निंग का हर सोमवार को रहेगा, मंडे रहेगा, मंडे मुझे लगता है कि शायद आपकी छुट्टी रहती है। हाँ सर, मंडे ऑफ होता है और आपको मंडे को पूरी मैं समझ गया। ठीक है, तो अंग्रेजी वाला जो है सुबह 7 to 8 का रहेगा हर सोमवार को, और हिंदी वाला जो है हर वार को सुबह 8:30 to 9:30 रहेगा। आपको देख के इसके बारे में पता लगा, तो बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है, बढ़िया ट्रॉफी है, और ट्रॉफी के अंदर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं होगा कि ये 3 मिला था। तो आपके घर के अंदर रहेगा जिंदगी भर की एक यादगार आपको रहेगी, बहुत बढ़िया चीज रहेगी आपके पास। इस वाले को आप जरूर क्वालिफाई करें। इसके अलावा जो टैगोर जी का जो ट्रेनिंग है अगले 50 हफ्ते का, उसको भी ज्वाइन करें। उसके अंदर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैंने तो अपना फीस भर ही दिया है, तो मैं तो ऑलरेडी ज्वाइन कर ही रहा हूँ। प्लस इसके अलावा पिछले 4 हफ्ते से उनका कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके अंदर मैं ऑलरेडी हूँ, तो उसके अंदर भी हूँ। प्लस इसके अब तो मैंने उनके 2 प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए हैं, तो एक प्रोग्राम भी मैंने फीस भर दिया है। स्थापना कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन आप डिसाइड करें कि मंडे को इसका क्या आप करना चाहेंगे, या तो क्या आपकी करने की इच्छा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रखें, तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई क्या होता है कि देखो, यदि हम छोटी छोटी पॉलिसी भी करते हैं या तो किसी को पैकेज भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये छोटा छोटा इन्होंने पैकेज निकाला है, वो कह रहे हैं भाई 75,000 की यदि आप आधारशिला आधार स्तंभ भी करते हैं, 4 पॉलिसी पे 100 रुपए का प्राइस आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 100 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वो दे रहे हैं, ये तो जो है कमीशन है उसके अलावा है, एज ए टोकन ऑफ रिकॉग्निशन आपको दे रहे हैं कि भाई आप यदि इसको क्वालिफाई करें तो सभी को अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ आपने किया है। जो LIC की जो ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अलग अलग कॉम्पिटिशन निकाले जाते हैं। 3 पॉलिसी पर एक तो ये अशोक स्तंभ का जो ट्रॉफी आपको मिलेगा, 6 पॉलिसी पर आपको साथ में साइटेशन भी मिलेगा, ऑनरिंग रोल भी आपको मिलेगा, साथ में SDM की तरफ से ऑनरिंग रहेगा और जोनल मैनेजर की तरफ से ऑनरिंग रहेगा 12 पॉलिसी पर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर। तो आप इसको क्वालिफाई करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कोई साथी जो है कुछ आप बताना चाहें, आज शनिवार का दिन है, शनिवार को ढेर सारे लोग आज घर पर मिल सकते हैं, एक हमको ये फायदा हो सकता है, हम यदि मिलने का समय निकालें। आजकल मिलने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो गए हैं। पहला तरीका तो हमारे पास क्या होता था कि हम फिजिकली जाकर मिलते थे, अब आजकल हमारे पास मिलने के लिए क्या है कि हम डिजिटली भी लोगों से मिल सकते हैं। और डिजिटली मिलने का फायदा क्या होता है कि आपको सिर्फ एक WhatsApp का वीडियो कॉल करना है, जैसे हम आज डिजिटली मिल रहे हैं। पहले आप मीटिंग अटेंड किया करते थे, दफ्तर में आया करते थे या तो डिविजनल ऑफिस लक्ष्मीनगर में जाया करते थे, तो पहले वो तरीका था, आजकल डिजिटली मिलने का तरीका है। बहुत सारे कस्टमर इस बात को प्रेफर करते हैं कि डिजिटली मिला जाए, और डिजिटली यदि आप उनको मिल देते हैं, समझो आपने WhatsApp पर भी किसी को पॉलिसी समझाया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था भाई, सभी कस्टमर को मैंने WhatsApp पर पॉलिसी समझाया, उन्होंने 14.5 लाख ब्रांच 126 के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि देखिए आपने भी अभी 3-4 दिन पहले पैसा ट्रांसफर किया था, और आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। यदि हम उनको बोलें, पहले तो हमारे पास सिर्फ कैश वाला है, सभी लोग वहां पर पेटीएम का वो लगा के बैठे होते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, फोन पे से करो, गूगल पे से करो, तो LIC के अंदर भी हमारे पास ये वाली ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास कुरियर आजकल इतने शानदार अवेलेबल है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में पहुंच जाते हैं, यदि अर्जेंट कुरियर आपको करना है पहुंच जाते हैं हमारे पास। इवन कस्टमर के पास से हमें कागज यदि उठवाने हैं, अभी सब तो कस्टमर को हमने फोन कर दिया, सर ये मेरा कुरियर वाला आएगा, मेरा आदमी आएगा, वो आपके पास पेपर करवा के ले जाएगा, 200-400 रुपए में आप उसको बोलिए कुरियर वाले को, वो 20-25-30-40 किलोमीटर जहां मर्जी से कागज उठवाने हैं उठा के ले आता है। इवन हमने यहाँ ऐसी ऐसी जगहों से कागज उठाए हैं, राजस्थान से, चंडीगढ़ से, जयपुर से, कुरियर वाले का ड्यूटी लगाया, भाई कितना ले लेगा, 250 रुपए ले लेगा, अब वो जयपुर जा रहा है, जयपुर जाके सब कुछ ला रहा है। वीडियो पे आप कस्टमर को वेरीफाई कर सकते हैं,
आप कस्टमर को यदि वेरीफाई करना चाहें आप वीडियो पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। आजकल पॉलिसी बेचने के तरीके बहुत ज्यादा आसान हो चुके हैं। हमारे कपूर साहब ने अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं किया, कपूर साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? कपूर साहब हमारे प्रोग्राम में हैं, उनका माइक तो खैर मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि उनका सिर्फ पंखा नजर आ रहा था, तो मैंने माइक म्यूट कर दिया था। और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं। सो सिन्हा साहब, जो तीन पॉलिसी वाला जो प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीन पॉलिसी के लिए हम, वैसे तो मैंने पैकेज भी आपको बना के भेजा था, तो उस पैकेज पर भी यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो उस पैकेज के द्वारा भी वो तीन पॉलिसी वाला किया जा सकता है। आज की डेट में देखिए, लोगों से मिलना या तो कोई भी काम करना क्या होता है कि नया काम जो होता है, नया काम सभी को डिफिकल्ट लगता है। हम बचपन में जब से पैदा हुए थे तब से लेकर अभी तक नया काम जो भी है, जब जब हमने किया, शुरू में नया काम सारे के सारे डिफिकल्ट लगते हैं, सभी के अंदर तकलीफ होती है, सभी के अंदर प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बार जब हम काम कोई करना शुरू कर देते हैं फिर वो धीरे धीरे आसान बनता चला जाता है। तो अब कभी कभी हमको अजीब लग सकता है, यार हम अच्छे वाले अपने घर के अंदर बैठे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया मौसम है, धूप अच्छी आ रही है, रजाई अच्छी है, कंबल अच्छे हैं, बेड के अंदर सोफे पर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, हमको ना अनकंफर्टेबल लग सकता है। जीवन के अंदर अनकंफर्टेबल काम करना सबके अच्छी बात नहीं है। अनकंफर्टेबल काम जब हम कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठना किसी को भी अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज सुबह जब मैं 6 बजे उठा, मेरे को भी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उठने की। उसके बाद मैं स्पेशल पार्क में गया, पार्क में जाके एक्सरसाइज किया, मैंने योगा किया। ये सब मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है मेरे लिए मुश्किल काम, सभी के लिए मुश्किल काम है, लेकिन जब हम कर लेते हैं पूरा का पूरा दिन बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजा आता है, खुशनुमा जाता है, अच्छा लगता है। तरीके से कस्टमर को मिलना मुश्किल काम, आसान नहीं है, मुझे पता है। यदि आसान होता तो आपकी ब्रांच के अंदर दिसंबर के महीने में जो टॉप एजेंट है सीमा जैन, 11.5 लाख रुपए कमीशन उनको पेमेंट नहीं किया गया होता। आसान काम के ज्यादा पैसे कभी नहीं लिए जाते। उसी वाली जो रैंकिंग लिस्ट है उसी के अंदर मैं देख रहा था, वो जो इस बार का जो कमीशन का जो आया है उसी के अंदर देख रहा था, किशन चंद भट्ट, मतलब ऐसे ऐसे लोगों का इतना इतना कमीशन का पेमेंट हुआ है। लेकिन पेमेंट क्यों हुआ है? उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, ये कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो आज सिन्हा साहब, आज कुछ पॉसिबल हो सकता है, हम कुछ लोगों को इंश्योरेंस के लिए बातचीत करें, उनको मिले, कुछ पॉसिबल हो सकता है? यदि मुलाकात करेंगे तो सेल हो सकता है, और लोगों को जाकर जब हम पॉलिसी समझाने लगते हैं तो सेल हो जाता है। आप जब भी देखेंगे ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर के अंदर देखें, एक एजेंट है ना, सबसे पहले आप सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बिना सीखे हम कोई भी काम की शुरुआत करेंगे तो बिना सीखे कोई भी काम को ना करना मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट रहता है, तकलीफ रहती है उसके अंदर। तो पहले उसको सीख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो LIC का जो हमारे पास ऑल इन वन का ऐप है, आप LIC का ऑल इन वन ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करें। LIC का लीडर ऐप LIC ने नहीं बनाए हैं, ये सारे के सारे प्राइवेट ऐप हैं, लेकिन आप उनको अपने फोन में इंस्टॉल करें। आप गूगल प्ले स्टोर खोलें, आप जब सुबह करवा दिया है सर, ऑलरेडी कर चुका हूं, ऑलरेडी करवा दिया है लीडर, तो उसके अंदर जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उन सबको इलस्ट्रेशन बना बना के आप मुझे भेजिए। चेक करने के लिए आप मुझे भेजिए कि आपने इलस्ट्रेशन कैसा बनाया, कैसा नहीं बनाया, आप मुझे चेक करने के लिए भेजिए। उसमें जितने तरीके के प्लान्स दे रखे हैं, जितने तरीके के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, सारे के सारे बना के आप मुझे एक बार भेजिए। अलग अलग प्लान का इलस्ट्रेशन बनाने से क्या फायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि भाई इसके अंदर आपको कितना आता है, इसके बारे में आपको कितना नहीं आता है, इन सबके बारे में मालूम चलेगा। तो ये बनाएंगे तो पता लगेगा, ठीक है ना। तो वही आप अभी बात कर रहे थे सर, अभी मॉर्निंग में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो नेट प्रैक्टिस जो है ना पहले कर लीजिए आप। नेट प्रैक्टिस का मतलब होता है जैसे क्रिकेटर लोग करते हैं, आज की डेट में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, किसी भी हम टॉप क्रिकेटर का नाम लें, या तो आजकल और भी नए चेहरे ढेर सारे आ गए हैं, किसी भी टॉप क्रिकेटर का हम नाम लें, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्रिकेटर हो, सुबह सुबह प्रैक्टिस 2 घंटा करते ही करते हैं,
और आज की डेट में जितने भी टॉप एलआईसी एजेंट हैं, लाइफ इंश्योरेंस के वर्ल्ड के जितने भी टॉप एजेंट हैं, एलआईसी के जितने भी टॉप एजेंट हैं, नेट प्रैक्टिस करते ही करते हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े धुरंधर हों, जितने मर्जी एक्सपर्ट हों, जितने मर्जी सीखे हुए हों, फिर भी वो सुबह प्रैक्टिस करके जाते हैं, वो तैयारी करके जाते हैं। उनको पता है छोटा छोटा क्लाइंट के साथ तो जितना मर्जी टाइम लो, लेकिन बड़े क्लाइंट के साथ टाइम मिलना मुश्किल काम है। यदि मान लीजिए क्लाइंट ने 10 मिनट का टाइम दिया है, तो वो तैयारी करके जाते हैं कि 10 मिनट के अंदर मुझे पहले मिनट में क्या बोलना है, दूसरे मिनट में क्या बोलना है, पहले 5 मिनटों में क्या क्या बोलना है, आखिरी के 2 मिनट में कैसे बोलना है, क्लोजिंग कैसे करना है, सब कुछ रिहर्सल करके जाते हैं। आज की डेट में यदि शाहरुख खान को एक पिक्चर का 30 करोड़ रुपया मिलता है, तो वो पहले रिहर्सल करता है, तैयारी करता है। इसी तरीके से इंश्योरेंस एजेंसी कोई चीज नहीं है, इसके अंदर यदि हम अच्छे से सीख के जाते हैं, हमारा बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चल सकता है। इसी के साथ हमारे मीटिंग का टाइम कंप्लीट हो रहा है, 10:30 बज चुके हैं। यदि आपको आज की मीटिंग के अंदर आके मजा आया, कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ आपको बढ़िया लगा, तो आप हाथ हिला के जो है अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और बाकी हमारे कुछ एक साथी हैं जिनका वीडियो अभी तक ऑफ चल रहा है, तो खैर ऑफ रखने में कोई ऐसा लंबा चौड़ा बुराई तो नहीं है, लेकिन बस उसमें समस्या क्या होती है वीडियो ऑफ रखने से ना, ये नहीं पता लगता है कि आप सो रहे हैं या जग रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं या टॉयलेट में बैठे हैं या तो बॉन्डिंग वॉक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर। खैर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप वीडियो ऑन करें, लेकिन वीडियो ऑन से क्या होता है, पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप मीटिंग में हैं। अदरवाइज जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक साथी का था, वो पंखा नजर आ रहा था, उसके बाद वो कहाँ चले गए पता नहीं। एनीवे खैर आप मीटिंग में आए, वही अच्छी बात है, आप यहाँ पर आए और आपको यहाँ से शायद कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत बढ़िया लगा। और आते रहिए और शानदार जो है मंडे की बढ़िया शुरुआत करिए। 12 बजे से 3 बजे आज ऑफिस ओपन है, दफ्तर के अंदर टाइपिंग भी होएगा, न्यू बिजनेस का नए प्रपोजल फॉर्म का टाइपिंग भी होएगा, अंडरराइटिंग भी होएगा। आपके जो ब्रांच मैनेजर हैं, एक सोमवार को यादगार दिन रूप में बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, हम भी उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें। उन्होंने 1100 पॉलिसी का टारगेट रखा है मंडे के लिए, स्थापना दिवस के लिए, तो हम भी उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करें, पहले से तैयारी करें। हम ऐसा ना सोचें कि हम मंडे ही करेंगे, हम पहले से तैयारी करके रखेंगे। मेरे पास अभी तक के जितने प्रपोजल आए थे, जितने भी फॉर्म्स आए थे, मैंने सारे सारे टाइपिंग में दे दिए थे, अंडर राइटिंग में दे दिए थे, और मेरी तरफ से बिल्कुल तैयारी है कि हाँ जितने भी हमारे साथियों का कलेक्शन आया है, तो मंडे उनका धुआंधार जो है परफॉर्मेंस रहे। और हमारा आज का शनिवार का दिन और कल का इतवार का दिन इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा मंडे कितना ज्यादा शानदार होएगा, बढ़िया होएगा, या तो कुछ अफसोस होगा। ये मतलब ये डिसीजन हमको आज ही लेना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार लगा। एंड बाय बाय, सी यू। बाय बाय सर। ओके जी, बाय 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 बाय। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। बाय, गुड डे, मिलते हैं, कल मिलते हैं।